करनाल विच पंडित चरणजी लाल शर्मा सरकारी कॉलेज विच चल रहे जोनल पद्धरी तीन दिन यूथ फैसटिवल के दूसरे दिन चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने मुख्य मेहमान वजो शिरकत की। पेशकश बाबत साडी रिपोर्ट। करनाल विच पंडित चरणजी लाल शर्मा सरकारी कॉलेज विच चल रहे जोनल पद्धरी तीन दिन यूथ फैसटिवल के दूसरे दिन चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने मुख्य मेहमान वजो शिरकत की। जबकि यूनिवर्सिटी के युवक और सभ्याचारक मामलों के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर गुरचरण सिंह ने विशेष मेहमान वजों शिरकत की है। इस मौके कॉलेज की प्रिंसीपल डॉक्टर सरिता कुमार और कॉलेज प्रबंधकों वालों हरियाणवी अंदाज में उनका निघा स्वागत किया गया। यूथ फैसटिवल में पहुंचे सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने वातावरण की शुद्धता का संदेश देते हुए सब तो पहला कॉलेज कंपलैक्स में बूटा लगाया। इस मौके उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों वालों हरियाणवी विरासत को दर्शाती हुई प्रदर्शनी वेखी अते कॉलेज प्रबंधन समेत विद्यार्थियों की कला अते जज्बे की प्रशंसा की। सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने दीप जला के दूसरे दिन के यूथ फैसटिवल के मुकाबले की शुरुआत की। इस मौके वक्त कॉलेजों के विद्यार्थियों वालों हरियाणा की संस्कृति और अमीर विरासत को दर्शाउंदियां पेशकारियां पेश की गई। इस मौके सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा कि युवा संस्कृतिक फैसटिवल और खेडों के नाल विद्यार्थियों का चौमुखी विकास होंगे। इस मौके उन्होंने हरियाणा सरकार के कामों और नवी सिक्ख्या नीति की भी प्रशंसा की है। सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने संगीत और मनोविज्ञान उत्ते आधारित दो किताबां भी रिलीज़ कीतियां। कॉलेज प्रबंधकों वालों सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं शॉल और यादगारी चिन्ह दे के सन्मानित किया गया। उन्हां दे नाल हरियाणा के डायरैक्टर डॉक्टर के संधू नूं भी शॉल दे के विशेष तौर उत्ते सन्मानित किया गया। अज मेरा सौभाग्य है कि पंडित चरणजी लाल शर्मा जी गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में है, जो यूथ फेस्टिवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का चल रहा है, उसमें आने का मुझे मौका मिला और अच्छा लगा कि कॉलेज ने इतना बढ़िया ये यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है। और सबसे खुशी की बात है कि डेडिकेटेड प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता जी, इन्होंने कमाल का काम किया है। सब अपने स्टाफ को प्रेरणा करके इकट्ठा करके इतना बढ़िया ये यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है कि हर देखने वाला इसकी प्रशंसा करे बिना रह नहीं सकता। और बहुत इम्प्रेसिव बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, वो चेहरे के हाव भाव, उनके एक्शन और उनका जो जील है, जज्बा है, वो भी काबिले तारीफ है। और बच्चों को तैयार करना, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना और खेलों में उनको उत्साहित करना, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। और इतना बड़ा ये कॉलेज है हरियाणा के सबसे बड़े कॉलेजों में, और मैं अपने हमारे जो कादियान साहब जो हमारे मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिलवाई और मैं यहां आया। और जब हमारे टीवी पे लोग, दुनिया भर के लोग, सारी वर्ल्ड में बच्चों के इन कलाकृतियों का प्रदर्शन देखेंगे, और कल हमारे पेपरों में ये हम सारा इलस्ट्रेशन जो हैं और ख़बरें जो कल लगाएंगे, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं जो देखेगा और जो सुनेगा पढ़ेगा उसको भी प्रेरणा मिलेगी और उस पर भी प्रभु की कृपा होगी। जो बच्चे खेलते हैं और अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं, उनको प्रभु परमात्मा भी देखता है और खुश होता है। इसलिए ये इतना अच्छा काम इस कॉलेज और इसके प्रिंसिपल साहब ने किया है कि मैं हमेशा हमेशा इसको याद भी रखूँगा और दुनिया के लोगों को दिखाऊँगा, अपने पेपरों में भी पब्लिश करके पढ़ाऊँगा, सो दैट लोगों में ऐसी प्रेरणा हो कि वो भी अपने स्कूलों कॉलेजों में ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के द्वारा 45वें जोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन इस बार पंडित चरणजी लाल कॉलेज करनाल कर रहा है। ये करनाल जोन का है, फंक्शन है, यूथ फेस्टिवल है सर। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के नेतृत्व में गत वर्षों से सांस्कृतिक गतिविधियों और कलाएँ प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है। और इस वर्ष भी, पिछले वर्षों में जहां कोविड काल में कोविड की समस्या से जूझ रहा था पूरा विश्व, और यह हमारे लिए अब पहला अवसर आया है कोविड काल के बाद कि हम इतने बड़े स्तर पर और ऑडियंस के साथ हम
यूथ फेस्टिवल्स की आगाज कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के चार जोन हैं, यह करनाल जोन का फंक्शन है और 28, 29, 30, 31 को कुरुक्षेत्र विद्यालय का राज्य स्तरीय रत्नावली कार्यक्रम के लिए भी मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो यूथ फेस्टिवल होते हैं ये युवाओं के लिए बहुत एक अच्छा मौका होते हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, और यही कलाकार अब जहाँ से जाते हैं तो समाज में बहुत सा संदेश लेकर जाते हैं, तो आप युवाओं को खासकर क्या कहना चाहेंगे? यह एक ऐसा मंच है जहाँ से हरियाणा के बहुत सारे कलाकार निकले हैं, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात भी है कि आज का जो कला एवं सांस्कृतिक जगत है उसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ध्वजवाहक बहुत ही युवा कलाकार निकल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मेरा युवा को यही संदेश है कि यह वह समय होता है कि जब आपको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, तो इन प्रतियोगिताओं में, इस प्रकार के युवा उत्सवों में हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, और इसके लिए मेरी पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है गांव का, वो भी यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि किस तरह से उसे बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, प्रचारित करने के लिए काम करना चाहिए? हम जिस काल में हम जी रहे हैं उसके ग्लोबलाइजेशन का काल कहा जा रहा है, और पूरे विश्व भर में संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। उसके जहाँ एक तरफ लाभ है उस तरफ दूसरी तरफ उसकी हानियाँ भी हैं। उससे हमने जो वेस्टर्न कल्चर को हमने अपनी ग्रामीण संस्कृति में जिस प्रकार से ले लिया है, उससे हमारा जो मूल संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं आघात तो लगा है। तो हमें यह एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी संस्कृति को पुनः से संग्रहित करने का एक प्रयास है, और उसे हमें उसके आगे भी संग्रहित करने के लिए प्रयास कार्यरत रहना चाहिए। कोशिश किस तरह की है विश्वविद्यालय की, आपकी पूरी टीम की? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की यह सदैव कोशिश रही है कि वो कुछ जो विलुप्त हो रही विधाएँ हैं, जिसमें से एक रसिया और रत्नावली के रूप में हमने कई विधाओं को पुनः शुरू किया है, इस बार हम लूर को शुरू कर रहे हैं। माननीय महासिंह पुनिया जी, जो हमारे निदेशक हैं कला युवा एवं संस्कृति विभाग के, उनके प्रयासों से ही हमने इस बार रत्नावली में लूर को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी विधाएं हैं जो समय के साथ साथ लुप्त हो रही हैं, हमें उन्हें पुनः इंट्रोड्यूस करना है और उनको संग्रहित करना है। जोनल यूथ फेस्टिवल का आज दूसरे दिन के, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्य अतिथि पद्म श्री श्री जगजीत सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को सहज ही स्वीकार किया और हमारे कार्यक्रम में आकर उसकी शोभा बढ़ाई। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतने बड़े लेवल पर जाकर और हमारे कार्यक्रम को स्वीकार करना हमारे लिए इससे सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। आज आपकी किताब भी रिलीज हुई है संगीत को लेकर, उसको लेकर क्या बताना चाहिए? जी, किताब मैंने लिखी है, पाठ्यक्रम पर आधारित लिखी है, क्योंकि म्यूज़िक में बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनके पास पाठ्यक्रम पर आधारित कोई पुस्तक नहीं थी, उसमें एक एक क्वेश्चन कहीं कहीं से उठाना पड़ता था विद्यार्थियों को, तो उसमें बहुत दिक्कत आती थी विद्यार्थियों को, तो उनकी उस समस्या को देखते हुए मैंने इस पुस्तक को लिखा है ताकि विद्यार्थियों को एक पुस्तक मिले और वो वहीं से ही अपना सारा कार्य करें। आज दर्जी सर ने उस पुस्तक को रिलीज़ किया है, क्योंकि काफ़ी ये भी लिखते हैं, बहुत बड़ा शब्दकोश है इनके पास भी, तो उनके हाथों आज रिलीज़ हुई है। जी, इसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि पद्मश्री जी के हाथों मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ, और मैं चाहूँगी कि सर मेरी पुस्तक को पढ़ें और उसमें जो भी कुछ आगे उसमें कुछ लगे कि भी इसमें ऐड करना है तो वो मुझे बताएं और मैं उसको अमेंडमेंट करूँ आगे।